नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे इस वीडियो में आज हम क्लास टेंथ मैथ्स एन का चैप्टर फोर्थ है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन उसका एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको सॉल्व करेंगे जो पेज नंबर सेवनटी थ्री एन बुक की पेज नंबर सेवेंटी थ्री में है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो एट पार्ट्स हैं तो इसलिए पिछली वीडियो में मैंने पहले चार पार्ट सॉल्व किए थे तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो फोर पार्ट्स हैं उसको सॉल्व करेंगे सो so, इस क्वेश्चन में जैसे मैंने पहले बताया था आपको चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक कॉर्डेटिक्वेशन और नॉट तो इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और चेक करना है कि वेदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्ल टू जीरो और नॉट या फिर अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में हैं तो ये क्वाड्रेटिक कॉर्डेटिक्वेशंस हैं अगर ए एक्स केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्ल टू जीरो की फॉर्म में नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट को तो इसको हम टू एक्स को पहले एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस वन को एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स एक्स माइनस थ्री माइनस वन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू फिर एक्स को एक्स माइनस वन से और फाइव को एक्स माइनस वन से एक्स को एक्स माइनस वन प्लस फाइव को एक्स माइनस वन से तो यह आ जाएगा हमारा टू एक्स स्केयर माइनस थ्री टू सिक्स एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स फाइव इंटू माइनस वन माइनस फाइव तो अब इसको टू एक्स स्केयर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स यह आ जाएगा हमारा प्लस फोर एक्स माइनस फाइव तो इन इसको हम पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यह जा जा आ जाएगा टू एक्स स्क्र एक्स स्वयर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्र माइनस सेवन एक्स तो ये प्लस फोर एक्स इधर आके माइनस फोर एक्स हो जाएगा एंड प्लस थ्री तो ये माइनस फाइव इधर आके प्लस फाइव हो जाएगा इज इक्ल टू ज़ीरो टू एक्स स्क्र माइनस एक्स स्केयर एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस फोर एक्स माइनस इलेवन एक्स एंड प्लस थ्री एंड प्लस फाइव प्लस एट इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये हमारा ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारा ए एक्स स्केयर है ये बी एक्स और सी है तो ये इस फॉर्म में है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यस yes. एंड अब हमारा इसका जो सिक्स पार्ट है उसको सॉल्व करें तो सिक्स पार्ट में है एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्केयर तो आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्केयर आ जाएगा हमारा इसमें एक्स माइनस टू X 2. तो x माइनस टू तो उसको मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स को एक्स माइनस टू से किया तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और टू टू जाए फोर फोर आ गया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर तो ये सारा इधर चला जाएगा तो एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स स्केयर हो गया प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स इधर आएगा तो प्लस फोर एक्स हो जाएगा प्लस वन तो ये प्लस फोर इधर आएगा तो माइनस फोर हो जाएगा इज्क्ल टू जीरो एक्स स्क्र माइनस एक्सक्वेयर कट जाएंगे प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स सेवन एक्स और ये प्लस वन माइनस फोर तो सेवन एक्स माइनस थ्री टू जीरो तो ये हमारी इक्वेशन बनी है तो ये ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है इसमें एक्स का कोई वेरिएबल नहीं है कोई भी मतलब नंबर नहीं है डिजिट नहीं है तो ये ओनली सेवन एक्स माइनस थ्री है इसमें एक्स स्क्यर नहीं है तो ये हमारा इस फॉर्म में एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो सिमिलरली हमारा जो है इसका सेवन्थ पार्ट है इसको सॉल्व करें एक्स प्लस टू का होल क्यूब इज इक्वल टू टू एक्स एक्स स्क्र माइनस वन तो इसका आ जाएगा इसको हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह जा आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्र प्लस ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा टू एक्स क्यूब एंड माइनस टू एक्स इन 2x वन टू एक्स माइनस टू एक्स तो इसको आप देखिए अब टू एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स को हम इधर ले जाएंगे तो जहाँ आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब प्लस एट एंड प्लस क्स स्केयर एंड ये माइनस प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स और माइनस टू एक्स इधर आएगा तो आ जाएगा प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स क्यूब इधर आ गया प्लस एट ये माइनस टू एक्स क्यूब है जो इधर आ जाएगा माइनस टू एक्स क्यूब हो गया एंड प्लस एट हो गया सिक्स एक्स स्केयर हो गया प्लस ट्वेल्व एक्स हो गया एंड माइनस टू एक्स इधर आएगा तो टू एक्स आ गया इज इक्वल तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एट एंड प्लस सिक्स एक्स स्केयर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस टू एक्स इज प्लस फोर्टीन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये आ गया हमारा तो इसको हम ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब एंड प्लस सिक्स एक्स स्केर माइनस सिक्स एक्स स्केयर एंड प्लस फोर्टीन एक्स माइनस फोर्टीन एक्स एंड प्लस एट माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये हमारा ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है हालांकि ये ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी हो सकता है पर यहाँ पे एक्स क्यूब भी है पर यहाँ पे हमारा हमको चाहिए ए एक्स स्केयर यहाँ क्यूब आ गया तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है सिमिलरली हमारा लास्ट पार्ट है जो एट्थ पार्ट है उसको हम चेक करें कि वेदर इट इज ए वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट तो ये हमारा एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस वन इस गर्ल्ड एक्स माइनस टू का होल क्यूब तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस एट माइनस सिक्स एक्स स्केयर प्लस ट्वेल्व एक्स ओके तो अब इसको तो हम सारे को इधर ले जाएंगे तो जाएगा एक्स क्यूब तो ये एक्स क्यूब इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा फिर माइनस फोर एक्स स्केयर और माइनस सिक्स स्केयर इधर आ जाएगा जा तो आ जाएगा तो प्लस सिक्स एक्स माइनस एक्स तो माइनस एक्स जो प्लस ट्वेल्व एक्स है तो इधर आके हमारा माइनस ट्वेल्व एक्स हो जाएगा एंड प्लस वन तो माइनस एट है तो ये इधर आके हमारा प्लस एट हो जाएगा इज इक्ल टू ज़ीरो ये एक्स क्यूब आ गया और ये माइनस एक्स क्यूब यहाँ से आ गया माइनस फोर एक्स स्क्र इधर लिख लिया एंड माइनस सिक्स एक्स स्क्र इधर आके प्लस सिक्स एक्स स्क्र हो गया एंड माइनस एक्स जो है ये लिख लिया हमने और प्लस ट्वेल्व एक्स जो है वो इधर आके माइनस ट्वेल्व एक्स हो गया प्लस वन इधर लिख लिया और माइनस एट इधर आके प्लस एट हो गया इज इक्वल टू यहाँ पीछे रह गया हमारा जीरो एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब पट जाएंगे माइनस फोर एक्स स्केयर प्लस सिक्स एक्स स्क्र टू एक्स स्क्र और माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस थर्टीन एक्स प्लस वन और प्लस एट प्लस नाइन टू जीरो तो ये हमारा आ गया टू एक्स स्क्र माइनस थर्टीन एक्स प्लस नाइन टू जीरो तो ये हमारा ए एक्स केयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में ए एक केयर ए की वैल्यू टू है और uh, प्लस बी एक्स बी की वैल्यू माइनस थर्टीन है और सी की वैल्यू नाइन है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको सबको समझ आ गया है अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि बाकी सब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको देख सकें एंड थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग